गाइज आप लोग कैसे हो। तो गाइज आज से मैंने स्टार्ट की हूँ अपनी माइनक्राफ्ट की न्यू सीरीज। तो गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई सीरीज में। तो गाइज मैं आज अपनी बालकनी से देख रहा था अपना विलेज को, इस तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखता इसलिए ऊपर से चलो। यहाँ पे मैंने अनलिमिटेड वाटर सोर्स, ये किसने बनाया। तो गाइज मैं ऐसे ही देख रहा था तब मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ सुना सुना है। तो गाइज मैंने थोड़े दूर में ही पता किया हूँ कि वहाँ पे विलेजर लोग घूम रहे, तो आज अपने गांव पे अपन रेड कराएंगे अच्छी सी। फिर गाइज देखते हैं हमें क्या चीज़ें मिलती और क्या नहीं मिलती। तो गाइज पहले मैं साउंड बढ़ा लेता हूँ। तो गाइस पहले मैं आपको अपना गांव दिखा देता हूँ पूरा। अरे मैं गलत साइड आ गया। तो गाइस देखो ये है हमारा जहाँ पे हम जानवर रखते, पर अब यहाँ पे जानवर है नहीं सिवाय मेरा घोड़ा कहाँ गया। गाइस देखो मेरा घोड़ा भी भाग गया, पता नहीं कहाँ से भाग जाते ये लोग, पर छोड़ो। ओ कैसे गाइज़ ये सीप, ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ पे। और गाइज़ ये भी मैंने ही बनाया था यहाँ पे, तो ये इस साइड मैंने बंद करके रखा हूँ क्योंकि गाइज जब यहाँ पे गोलम नहीं आए थे तब गाइज़ यहाँ पे पिलेजर आके मार रहे थे, तब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था इसलिए मैंने बंद कर दिया, और ताकि विलेजर भी बाहर ना जाए। और गाइज़ ये रही यहाँ की चीज़ें, और ये हमारा एन्चेंटमेंट करने वाला यहाँ पे पता नहीं लाइब्रेरियन तो है नहीं पर भी घूमते रहता है। और गाइस ये हमारा पटेटो फार्म, और गाइस ये है जहाँ पे पूरे विलेजर लोग काम करते मेहनत। और गाइस ये भी हमारा पटेटो फार्म है। और गाइस सामने देख रहे हो ये है मेरा, ये सामने वाला ये है मेरा जहाँ पे मैं अपनी पूरी चीज़ें रखता हूँ, गाइस गोदाम बोल सकते हो, पर माइनक्राफ्ट में इसे क्या बोलते हैं गाइस आप लोग कमेंट पे बताना। गाइस यहाँ पे भी मैंने ये सब चीज़ें रखा हूँ। गाइस यहाँ पे पूरी चेस्ट ही चेस्ट है, और यहाँ पे मैंने एक ठो क्राफ्टिंग टेबल भी रख दिया और एक ठो बुक है यानी ये जो है। और गाइस चलो अब बिना किसी टाइम के हम लोग चलते, सबसे पहले मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। और गाइस ये सामने वाला घर देख रहे हो जो ऑरेंज ग्रीन है वाइट है, गाइस यही है मेरा घर। घोड़ा भी यहाँ पे घूम रहा है। ओए तेरा दोस्त कहाँ है, ओए तेरा दोस्त कहाँ है। गाइस ये मेरे को ढंग से बैठाएगा नहीं, बस मेरा ही घोड़ा था जो मेरे को अच्छे से बैठा के घुमाता था। पानी लीकेज हो रहा है गाइस यहाँ से, इसे मैं बाद में बंद कर दूंगा, अगली वीडियो में नहीं रहेगा गाइस। तो चलो अब फटाक से अपन लोग पीले जैसे पंगा लेके आएंगे, पहले एक नींद हो ही जाए। गाइस मैं अपने गांव पे ऐसे ही घूम रहा था, तो क्रिएटिव मोड में मैं ऐसे ही घूम रहा था तब ये पिलेजर पता नहीं गांव के सामने आके खड़े हो गए गाइस, कुछ पता नहीं। अच्छा ये लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, यहाँ से अंदर आ रहे हैं। तो गाइस चलो देखते हैं अब कैसा सीन होता है इसे मारते। तो वे ये रेड को ऑप्शन क्यों आ गया, लगता है अब मेरे गांव पे रेड पड़ने वाली है। तो गाइस यहाँ पे तो तीन तीन गाइस देख रहे हो, गाइस ये देख रहे हो शायद से कुछ गड़बड़ तो हो गई है। तो गाइस चलो देखते क्या होता है रेड में। तो गाइस पहले मैं सर्वाइवर मोड में आ जाता हूँ।
तो ओके गाइस मैं आ गया सर्वाइवर मोड में, अब देखते हैं। अबे ये गोलम क्यों मारा मेरे को? तो गाइस अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय यहाँ से तलवार उठाने की। तो गाइस मेरे पास तलवार तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ एक तो है डायमंड स्वॉर्ड, पर गाइस इसे छोड़ो। यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ ट्रिडेंट, और अपने जो चेस्ट उसमें देखते कुछ पड़ा हो तो ले लेंगे। गोल्डन स्वॉर्ड टेक फोर, तो गाइस अभी इसी से काम चलाना ही पड़ेगा। तो चलो मेरे पास मेरे को ये चीज़ें मिल गई। बस देखिए डर से मेरे अंदर आ गया, पर अब होगा क्या गाइस जी मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पता है। तो बस सबसे पहले मैं अपना आर्मर पहनने वाला हूँ। गाइस आर्मर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रेड पड़ाने के लिए, यानी रेड पड़ती है। तो चलो जल्दी जल्दी चलते और आर्मर पहनते अपना। अगर मैं इधर का तो यही बंद रखना था, मुझे लग रहा है कि कोई मेरे को मार रहा गाइस, पर उसका निशाना गाइस पता नहीं क्यों चुक गया। इसमें तो नहीं मेरे वेपन मेरे गाइस। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि टोटल में फंडा में कहाँ से आया। गाइस ये मेरे को एक तो चेस्ट मिली थी रास्ते में, गाइस ये मेरे को तब मिला था, तब मैंने पहन लिया। और एक तो स्मिथ वन, शार्पनेस टू, एमरल है। एमरल गाइस मैं बाद में उठा लूँगा, वैसे एमरल बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है, गाइस अभी उठाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो गाइस और आते ही जा रहे हैं। ओ माय गॉड डबल बंदी, भाग लेते गोलम जा मार उसको गोलम। गाइस अभी गोलम आ गया तब वे गाइस मैंने गलती से गोलम को देख रहा था वीडियो। गाइस हम मार नहीं करे, अबे गोलम मारना उसका मुंह देखेगा क्या, मार उसको। अच्छा गाइस इसने एक ही रैप्टर दी और वो ख़त्म, बहुत सही। तीन एमरल हो गए गाइस मेरे पास। ये मैं कहाँ फंस गया, अरे यार। गाइस हमारे गांव में बहुत ज़्यादा वो है, गुफा टाइप बना हुआ है, तो इसी के लिए उसको अभी के लिए इग्नोर करो आप लोग। बस ये मेरे को मारे ना पहले की तरह। हाँ देख मैं कैसे काम करता हूँ, मारना मत। अरे यार हट। तो गाइस मेरा पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, अभी थोड़ी सी गाइस मैं वीडियो कट कर दूँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ नहीं दिखेंगे वहाँ वहाँ। गाइस तो आप देख रहे हो इसकी पहली वाली रेड है ना गाइस, जिसमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, इसलिए मैंने वाला सीन कट कर दिया। गाइस पता नहीं कैसे कैसे वो लोग बंदे ख़त्म हुए, दिखे भी नहीं। और गाइस ये वही स्वॉर्ड है जो मेरे पास पहले थी, गोलम ने मारा था तो गिर गई थी गाइस उधर, तो मैं उठा के लाई। गाइस ये देखो ये बंदे को लगता
तक ही ये लोगों को मार डालेंगे, वैसे इन्हें सही लगता है। और मेरे पास भी नॉकबैक 2 की तलवार है, दस कवर में खेलना होगा, पर भी बिना कवर के भी गाइस खेलना पड़ रहा है अभी तो। और चलो सामने वाला गाइस, वो आप उसे दिख पा रहे हो, उसके बिल्कुल सामने पे लगाना पड़ेगा गाइस, अभी गोला मार रहा है गाइस। एक और रेड गाइस, मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तलवार नहीं है। तो गाइस पहले मेरे को तलवार का जुगाड़ करना पड़ेगा, और तलवार मेरे को गाइस मिलने वाली है मेरे जो है, जब मैं अभी यहाँ पे गोला मारा है। पहले गाइस मैं यहाँ पर दरवाजा लगाऊंगा, ये यहाँ का भी लगाओ क्योंकि गाइस अभी तो यही है एक सबसे ज़्यादा सेफ जगह। इसमें फिटू गाइस, इसमें फिटू नहीं चाहिए मेरे को। पहले मैं अपना बैकपैक थोड़ा बहुत खाली कर लेता हूँ। अनब्रेकिंग नॉकबैक लूटिंग 3 गाइस, बहुत सारी चीज़ें लगी इसमें, लूटिंग 1 नॉकबैक गाइस, इसी निकलते गाइस, देखते आज क्या होता है। गाइस प्रिंस हो रहा, यहाँ पर जो प्रिंस रहते, अबे यार मारा प्रिंस ने गाइस, शायद उसका नाम प्रिंस ही रहता है। अभी मैं जानबूझ के बैठा था ताकि मुझे शील्ड है वो काम करे। तो गाइस रेड में तो आपका मर नहीं सकता है, तो एक दो बार तो मर गया था गाइस, जो वाला मुझसे लड़ने गया तब तक मैं अपनी पूरी चीज़ उठा लेता हूँ गाइस, जैसे तैसे करके मेरे को जल्दी से चीज़ें उठाना चाहिए। तो गाइस मेरी इसकी भी हेल्थ अभी तो गाइस है, और गाइस मेरे जो प्रिंस को ही मारना पड़ेगा गाइस, और प्रिंस को मारा कैसे जाता है मेरे को नहीं पता। तो मैं बैठ जाता हूँ और मैं थोड़ा पीछे आता हूँ ताकि उसको जो है वो मेरे पास में आएगा गाइस। और गाइस जो छोटे छोटे ये क्या है, तो हाँ गाइस ये एक एक अटैक में मार रहे, पता नहीं ये क्या है छोटे छोटे से गाइस कर गया। गाइस देख लो गाइस, पता नहीं आया गाइस कौन कौन मार रहा है। आज की गाइस रेड बहुत ज़्यादा खतरनाक है गाइस, तो बहुत देर से मैं इसको मार रहा था, और गाइस रेड हम लोग जीत चुके हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हैं हीरो ऑफ द विलेज। तो गाइस चलो, तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय बाय बाय। गाइस मैं ये बोलने वाला था कि वो मर गई है, पर गाइस तो जिद्दी है ना, ये मरने का नाम ही नहीं है। तो गाइस अब मैं इसे मारने वाला हूँ अपने साथ में 5 अटैक कर रही थी, टफनेस 2 है गाइस। और ये मेरे को कौन मार रहा है, अरे यार एक गोलम बेफर्जिया तो बकरी को भी लग गई गाइस। गोलम गाइस गोलम की मंकी पहले पूरी कर लेते, इधर आके मरेगी गाइस अपन। तो गाइस उतनी इधर से अपन लोग इस तरफ देख रहे थे, पर गाइस इस तरफ भी बहुत सारे, अरे स्केली तक आ गया गाइस, पहले स्केली को पहले बात करना है इतना गंदा मार रही थी, एक एक परसेंट लाइफ है गाइस। बस इस बार मेरे को अपना कवर से लेके जाऊंगा मैं, नहीं सील गाइस ये है।
मैं भूल गया था कि मेरे पास मेज शील्ड है, तो गाइस मैं पहले से भूल गया था। गाइस अब वो लोग मेरे को तब तक मार पाएंगे जब तक मेरे पास मेज शील्ड है। अब मारो, गाइस वो देखो, गाइस वो लोग भी नहीं मार रहे, गाइस ये लोग अब मार रहे, तो गाइस ये लोग खुद ही को मार रहे हैं, कुछ नहीं करने वाला। देखो गाइस ये लोग खुद ही को मार रहे हैं, और बेच भी आके खुद ही को मार रहे हैं गाइस। तो गाइस अब एक और रेड पड़ने वाली है, ओके गाइस यहाँ पे रेड है, सच से फोर है, रेड है फोर गाइस यहाँ पे चल रही है। तो वहाँ पे देखो ये लोग ने मोहल्ला बना लिए हैं अपना वाला, और गाइस हमेशा एक्स लेके आ रहे हैं ये लोग। मैंने जहाँ तक देखा ये लोग चला है, बस देखो इनमें से कोई एक प्रिंस आया है, देखो ये देखने की प्रिंस है। तो गई गाइस पर मेरे साइड से पोशन ऑफ हीलिंग पड़ गया है, हाँ गाइस मेरे पे पोशन ऑफ हीलिंग पड़ गया है, अब हट गया। पहले ब्रेड खाते हैं, ये मैंने विलेज से खरीदा था अपने फार्मर से, तो एक चीज थी वो काम गई। अरे यार गाइस पता नहीं है पोशन कब तक चलने वाला है, क्योंकि गाइस जो हो रहा है यहाँ पे, हाँ गाइस ख़त्म हो गया पोशन। गाइस यहाँ पे मैं वापस से बाहर निकल रहा हूँ, गाइस थोड़ा बहुत हीलिंग किया मैंने खुद को, और गाइस देखो ये इसने फिर से बॉटल फेंकी, फिर मेरे को पोशन ऑफ हीलिंग दे दी गाइस इसने। गाइस इस बार सच इसको खुद पड़ा है अपना पोशन, गाइस यानी वो उसकी बहुत कम अच्छी है, गाइस मेरी भी। अरे यार उसने लास्ट बॉटल थी गाइस उसके पास, वो भी उसने फेंक डाली। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, थोड़ा तेज भागते गाइस। कहाँ पे था मैं गाइस, ओके यहाँ पे था मैं। तो गाइस मेरे को पहले अपनी पूरी चीज़ उठाना पड़ेगा, तो गाइस ये मेरी पूरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें है गाइस मेरे पास। और गाइस मेरे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आर्मर पहनना, अरे क्या हो गया ये। तो ओके गाइस यहाँ पे आप लोग कमेंट बताना जल्दी से कैसे मरती है, इतना डैमेज दे रहा हूँ कभी नहीं मर रही, बल्कि मैं मर जाता हूँ। इसका असर छूट गया होगा, तो गाइस मेरा असर तो नहीं छूटा,
ये क्या हुआ? बस गलती से मेरे घर को पड़ गई, अब ग्वाला मेरे को मारे रखता। कुछ भी देखने को नहीं मिला, इसलिए मैंने वाला सीन कट कर दिया। बस पता नहीं कैसे कैसे वो लोग बंदे ख़त्म हुए, देखे भी नहीं। और गाइस ये वही स्वॉर्ड है जो मेरे पास पहले थी, गोलम ने मारा था तो गिर गई थी गाइस उधर, तो मैं उठा के लाई। गाइस देखो ये बंदे को, ये बंदे को लगता है कि ये लोग मेरे को मार डालेंगे, वैसे इन्हें सही लगता है। और मेरे पास भी नॉक बैक टू की तलवार है। गश कवर के खेलना होगा, पर भी बिना कवर के भी गश खेलना पड़ रहा अभी तो। और चलो सामने वाला गाइस वो आप उसे दिख पा रहे हो, उसके बिल्कुल सामने पे लगाना पड़ेगा। गाइस अभी गोला मार रहा है। गाइस एक और रेड चालू हो गई, इतनी जल्दी जल्दी गोलम्स लोग ख़त्म कर रहे थे गाइस, ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल के मारे। गाइस इसमें नॉकबैक वन और लूटिंग थ्री, लूटिंग वन लगा है, लूटिंग वन का पता नहीं, पर नॉकबैक वन गाइस यानी कि एक ही मारोगे तो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। बस शायद से ये फोर्थ रेड है। और गाइस इसमें आते एक प्रिंस है जैसा बंदा रहता है, जो शायद गाइस टेक्नो गेमर आपने कल देखे हो, ये टेक्नो गेमर का तो उस वो गया था एक बार वुडन आइसलैंड में, तो गाइस तब वो दिखाता यानी तब वो कैसे फेंक रहा था वो मैजिक जैसा कुछ, जब उसे मारने जाया था टेक्नो गेमर, तो गाइस वैसे ही रहता है वो भी। लास्ट रेड में आता है वो शायद से। और गाइस चलो देखते हैं, अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा। तो ओके गाइस उतनी देर से मैं वीडियो को पॉज कर देता, यानी वीडियो को कट कर देता गाइस, क्योंकि बंदे नहीं दिख रहे थे। पर सामने डबल दिख गाइस, यानी शायद से पता नहीं गाइस ये कौन सी वाली थी, कौन सी है, पर गाइस मेरे को ये पता है कि पोशन ऑफ फीलिंग फेंकती है। और बहुत ज़्यादा तेजी से भाग रही गाइस, फेंकी मेरे ऊपर गाइस, मैं बच गया। गाइस देखो कुछ बोतल फोड़ी उसने, उसी के ऊपर लग गया गाइस। हाँ गाइस उसी के ऊपर लग गया उसका पोशन, सबसे गाइस एक दूसरे को ही मार रही गाइस, मेरे पास सही एडवांटेज, मेरे को ही गाइस पड़ गया। और गाइस वो कैसे खुद को ही मारी गाइस, भाई पीछे गाइस।